मास्क की वजह से ढंग से आप मेरा भी फेस देख नहीं पाएंगे। एक सेकंड के लिए उतार के हेलो हाय कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कृतिका और आज सुबह से मुझे ना साउथ इंडियन खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है। और घर का साउथ इंडियन नहीं, बाहर का साउथ इंडियन फूड जो मैंने लॉकडाउन के पहले खाया था। बाहर कई बार हम लोग निकलते हैं लेकिन हमेशा या तो फिर हम लोग खा रहे होते हैं इटालियन, या हम लोग खा रहे होते हैं कुछ स्पाइसी फैंसी सी चीज चाइनीज, लेकिन साउथ इंडियन खाने के लिए बहुत टाइम से नहीं निकले। तो मैंने सोचा चलो अच्छी सी जगह एक्सप्लोर की जाए। मेरी कजिन ने रिसेंटली मुझे एक जगह के बारे में बताया, मैंने वो गूगल पे पढ़ा और उसकी रेटिंग बहुत सुपर्ब है। जगह का नाम है दक्षिणायन। इसकी दो ब्रांचेस हैं जहां तक मुझे अभी पता है, शायद और भी हो सकती है। दो जगह जिसके बारे में मुझे पता है, एक है जुहू, दूसरा है मलाबार हिल। और वहां हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल मैं जहां पर हूँ यहाँ से 30 मिनट्स और दूर का रास्ता है, आई होप टाइम पे पहुंच जाए। लेकिन वो जगह के बारे में मैंने सुना है भीड़ आपको मिलेगी लेकिन खाना बहुत सुपर्ब होगा। तो चलो जाके कोशिश करते हैं अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा खाना हो और अच्छा रिव्यू भी फिर आपको मिल जाएगा। मीनवाइल योर इज अभिषेक, हेलो। चलिए चलिए, खाने हम जाते हैं, पंजाबी खाने हम चाहते हैं। तो आप मुझे साउथ इंडियन के लिए क्यों नहीं ले जाते हो? नहीं, इससे पहले आई थिंक फाइन डाइनिंग से पहले हम साउथ इंडियन के लिए निकले थे, बट वो कर नहीं पाए थे क्योंकि तब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थे। साउथ इंडियन हम जा चुके हैं कई बार, दो अच्छी जगह पे हमने खाया हुआ है, काफी फेमस जगह है और ये तीसरी है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि ये आपकी सिस्टर ने भी रिकमेंड किया, राइट? करेक्ट। सो यहाँ पे काफी हसल बसल रहती है, थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है, क्राउडेड है ये जगह, इतनी ज्यादा स्पेशियस नहीं है, बट खाना यहाँ का ऐसा है कि यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ऐसा सुना है। लेट्स सी वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बारिश भी हो रही है यहाँ हल्की हल्की और ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिल गया है। एयरपोर्ट वैसे यहाँ से काफी पास है। सभी वेटिंग है इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। जगह अच्छी लग रही है। एंड दिस इज द मेन्यू जो बाहर है, सो वी कैन डिसाइड यहाँ से ही देख कर कि क्या क्या हम खा सकते हैं। वैसे आज की ट्रीट मेरी ट्रीट है, सो मैं अभिषेक को आज ट्रीट दूंगी क्योंकि साउथ इंडियन मेरा फेवरेट है। सो फाइनली हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका है। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर कर दी है और ये है लोकेशन दक्षिणायन की। प्लेस इज वेरी क्लीन एंड वेरी गुड और हमको लग रहा है कि अभी हम पहले यहाँ क्यों नहीं आ गए। सो व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड? हमने ये स्टार्टर में ऑर्डर किया है मुलगा पोड़ी इडली, जो काफ़ी रिकमेंड भी की उसने हमें और पता है काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। सो वो स्टार्टर है। फिर दो डोसाज है, आपका रवा डोसा है, मेरा मैसूर मसाला डोसा है। बाद में हम लोग गेन करेंगे फिल्टर कॉफ़ी और रवा केसरी। रवा केसरी बोलो, जुबा केसरी। ये बड़े से मेन्यू से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी है। वैसे यहाँ पे जो मैं पढ़ रही थी चीज़ें, वेट टाइम काफ़ी कम होता है, क्विकली आपका जो खाना है वो आ जाएगा। अब हमने ऑर्डर तो कर दिया, हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम मंगवा लिया हूँ। मैंने रवा मसाला मंगवाया है, अभिषेक ने मैसूर मसाला मंगवाया है, साथ में स्वीट डिश हमने एक मंगवाई है और स्टार्टर में मिनी इडलीज मंगवाई है। तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखाऊँगी। जगह काफ़ी अच्छी लगी। As you can see, अभिषेक का मैसूर मसाला डोसा आ चुका है, मैं अभी अपनी इडली इंजॉय कर रही हूँ और अब है रिव्यू टाइम। अभिषेक जैसे ही अपना डोसा ट्राई करेंगे हम अभिषेक से पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। सो लेट्स वेट फॉर हिम फर्स्ट। दिख वैसे काफ़ी सुंदर रहा है, अंदर जो लहसुन की चटनी है इन्होंने अच्छे से फिल करी है। अब अभिषेक आप हमें खा के बताओ कि आपको कैसा लगा ये डोसा। How's it? So, अब कृतिका का रवा मसाला डोसा आ चुका है, looks fabulous. Nice. इनकी लहसुन चटनी बहुत अच्छी है। हाँ आप जब आ रहे हो लहसुन चटनी में डिप करके प्रॉपरली इसे खाना।
बहुत ही अच्छा लगा एंड खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली इडली, वो तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा जो भी यहाँ आएगा. एंड मैं यहाँ वापस डेफिनेटली जाना चाहूंगा, पॉसिबली जाना चाहूंगा. हर महीने मैं जबरदस्ती लेकर आऊंगी. बट मैं नेक्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट या लंच सोच रहा हूँ. सो डोसे भी अच्छे थे, रवा केसरी, एवरीथिंग वाज फैबुलस. मतलब this place is definitely worth coming to and also waiting if you, because more than likely aapko wait karna padega yahan aake, jagah full rehti hai. But yahan pe servers bahut prompt hai, khana aapka turant aa jayega, khana kafi delicious hoga, so you will have a good time. So finally hum log wahan se nikal chuke hain, review aapne dekh liya hai. Main agar baat karu idli ki, itni tasty thi, oh my god, main क्या बताऊँ, मैं तो फुल 10/10 इसे दूंगी. मैं आराम से आलती पलाती मार के वहाँ पे बैठ चुकी थी, आराम से मैं अपना जो डिनर है वो इंजॉय कर रही थी. इनफैक्ट उस टाइम पे यू नो जब साउथ इंडियन आता है तब मैं रियलाइज नहीं कर पाती और मैं चाह रही थी एक और डोसा मंगवा लेते हैं. उसके बाद तो भाई मुझसे हिलते ही नहीं बना, मतलब लिमिट में खाया, लेकिन तब भी यू नो इच्छा और हो रही थी कि और खाया जाए और खाया जाए. फूड वॉज डिलिशियस. सो अगर आप बॉम्बे में रहते हैं या बॉम्बे में आ रहे हैं, साउथ इंडियन ट्राई करना चाह रहे हैं, तो दक्षिणायन जरूर आए. मैं तो इसे फुल 10/10 रेट करूंगी, मजा आ गया मुझे. तो मैं बस अब यहीं पे अब व्लॉग एंड करूंगी. ऐसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो मैं इंजॉय करूंगी और वापस से यहाँ पे जरूर आऊंगी. आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब. बाय बाय.